हे हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनली मैंने सिंघम अगेन का सेकेंड हाफ भी देख लिया है। फर्स्ट हाफ का मैंने रिव्यू किया था, मैंने आपको बताया था कि किस हिसाब से कॉप यूनिवर्स में ही जो सूर्यवंशी रिलीज हुई थी, जो कहानी वहां पर चल रही थी, उसके बाद उसके जो एलिमेंट्स हैं उसको कंटिन्यू करने की कोशिश की गई है सिंघम अगेन में। जी हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि सिंघम 2 के बाद सिंघम ये जो अगेन है, सिंघम जो 3 है, लोग सोच रहे होंगे कि सिंघम 2 की कहानी यहाँ पे कंटिन्यू होगी, लेकिन यहाँ पर सूर्यवंशी वाले पार्ट को यहाँ पर कंटिन्यू करने की कोशिश की गई है। यानी कि जो अर्जुन कपूर जो फिल्म के अंदर विलन है, उनका कहीं ना कहीं सूर्यवंशी में जो कहानी दिखाई गई थी उनका नाता है कहीं ना कहीं, और यहाँ पर वो बताई जा रही है। और अर्जुन कपूर के कैरेक्टर की मैं बात करूँ तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही दमदार कैरेक्टर के हिसाब से पेश किया गया इस फिल्म के अंदर। और अर्जुन कपूर को गिराने के लिए, मारने के लिए, पकड़ने के लिए पूरी की पूरी कॉप यूनिवर्स तैयार हो जाती है और यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि रामायण के थीम के हिसाब से, किस हिसाब से ये जो है फिल्म बन रही है। अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, फर्स्ट हाफ में आपने देखा, ट्रेलर में भी आपने देख लिया। तो अब सेकेंड हाफ की मैं बात करूँ तो सेकेंड हाफ की जो शुरुआत हो रही है वो एक अलग ही परिवेश में शुरुआत हो रही है। मतलब आप इंडिया से आप श्रीलंका चले जाते हो, ठीक है, और श्रीलंका में जब आप जा रहे हो तो राम सेतु का भी दृश्य दिखाया जाता है, फिर श्रीलंका का भी दृश्य दिखाया जाता है। श्रीलंका के अंदर सीता माता को कहाँ रखा जाता है और कहाँ पर लंका का दहन होता है, अलग अलग जो रेफरेंसेस है उसको दिखाते हुए श्रीलंका के जो सीन्स है वो दिखाए जा रहे हैं। और ऑन लोकेशन श्रीलंका के कोलंबो के जो सीन्स है दिखाए गए हैं वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड हाफ में अगर मैं जो शो होता है ना उसको जो ओन करने वाले अगर कोई किरदार की अगर मैं बात करूँ ना तो वो है यहाँ पर रणवीर सिंह। रणवीर सिंह की जो कॉमेडी है यहाँ पर बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। यहाँ पर रणवीर सिंह की एंट्री हो जाती है, फिर बाद में अक्षय कुमार की भी एंट्री होती है। अक्षय कुमार में जो एंट्री है और जो एक्शन है वो दमदार नज़र आता है, लेकिन अक्षय कुमार को ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। वो एंड में कुछ आते हैं, कुछ धमाल करते हैं, लेकिन रणवीर सिंह की मैं बात करूँ, पावरफुल एक्टर ही इज़ अमेजिंग। मैं हमेशा से बोलता आया हूँ रणवीर सिंह इज़ अ वेरी गुड एक्टर, और यहाँ पर उन्होंने जान डाल दी है। ठीक है, तो एक हिसाब से मैं कहूँगा कि अर्जुन कपूर को जो वजन डालकर जो फिल्म के अंदर दिखाया गया है ना, वो काफ़ी लोगों को हज़म नहीं हो रहा है, क्योंकि अर्जुन कपूर को हम उस लेवल पर देखने के लिए हम मेंटली फिट नहीं है, मेंटली इन द सेंस तैयार भी नहीं है। लेकिन हाँ, रोहित शेट्टी ने बहुत ही एग्जैजरेट करके उनके कैरेक्टर को दिखाया, दमदार तरीके से दिखाया, तो ठीक है। मेरे ख्याल से इस फिल्म के बाद रोहित शेट्टी का जो करियर है उसमें एक बाउंस बैक होने की जो उम्मीद है हो सकती है, सो लेट्स सी। और एक जो सीन है मैंने देखा है एंड में, क्लाइमेक्स का ही सीन होता है, वहाँ पर अजय देवगन जो है एक झंडा जो पोल है उठा रहे होते हैं, और जो झंडा रहता है उसमें भगवा झंडा होता है। हमने ट्रेलर में देखा और अलग अलग पोस्टर्स और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में हमने देखा है कि अजय देवगन के पीछे राम भगवान की जो है चित्र है और उसके बगल में जय श्री राम लिखा होता है। तो मैं सोच रहा था ये सीन कब आएगा, तो मैं आपको बता दूँ इस फिल्म के अंदर वो जो राम भगवान है और जो जय श्री राम लिखा हुआ है भगवे झंडे पर, यहाँ पर मेरे ख्याल से उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। अगर मैं जय श्री राम की बात करूँ तो यार, जय श्री राम इज़ नॉट अ कॉम्युनल और ऐसा कोई भड़काऊ, ऐसा कोई भी ना स्लोगन है ना टेक्स्ट है। जय श्री राम का मतलब होता है विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम, विक्ट्री ऑफ भगवान श्री राम, दैट्स इट, भगवान राम की जय हो। और यहाँ पर फिल्म भी जो है रामायण को डिपिक्ट करने की कोशिश की जा रही है, मॉडर्न वे में बताने की कोशिश की जा रही है, भगवान राम के विजय की बात की जा रही है। तो अगर लिखा भी है जय श्री राम तो उसको हटाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको रखना चाहिए था। तो यहाँ पर मैं एक हिसाब से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था, लेकिन फिल्म जो है ओवरऑल बात की जाए मॉडर्न एडेप्टेशन को ध्यान में रखते हुए, लोगों को आज की यंग जनरेशन को कैसे समझ में आए रामायण को, या रामायण से कैसे रिलेट करें, हालांकि सबको ये कहानी पता है, फिर भी कैसे इंटरेस्टिंग करके बनाया जाए, ये फिल्म मेकर की सोच थी। और 491 वर्षों के बाद पहली बार पूरी दुनिया भर में दिवाली मनाई जा रही है, जब अयोध्या में भगवान राम विराजमान है। ठीक है,
तो इस हिसाब से आज के माहौल में, आज के परिवेश को ध्यान में रखते हुए इंटेलिजेंट जो डायरेक्टर हैं हमारे रोहित शेट्टी, उन्होंने फिल्म बनाई है और मेरे ख्याल से अच्छा खासा ओपनिंग लेगी ये फिल्म। फिल्म के अंदर वो सारे एलिमेंट्स हैं, सारे वाव मोमेंट्स हैं जो आप फिल्म देखोगे तो फिल्म देखने के बाद आपको पसंद आएगा और पैसा वसूल होगा। एक जगह पर भी आप बोर नहीं होगे। अलग अलग एंट्री सीन्स हो रही है, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, कॉप यूनिवर्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं और मज़ा आ रहा है। मतलब एक्शन सीन्स तो यार धमाकेदार तरीके से इसके अंदर दिखाया गया है, वो भी देखने में मज़ा आता है। ठीक है, अजय देवगन, बाजीराव सिंघम उस अंदाज में नज़र आते हैं। और सेकेंड हाफ की मैं बात करूँ तो यार सिंघम का बहुत सारा नॉस्टैल्जिया भी डाला गया है, सूर्यवंशी का भी कुछ पार्ट डाला गया है, सिम्बा का भी कुछ पार्ट डाल दिया गया है, तो नॉस्टैल्जिया से भी आप कनेक्ट हो जाओगे। और गानों की अगर मैं बात करूँ तो मैं मेरे ख्याल से गाने इसके अंदर नहीं है और मेरे ख्याल से अच्छा डिसीजन था, फिल्म के अंदर गाने नहीं हैं। सेकेंड हाफ में भी सोचा था होगा लेकिन सेकेंड हाफ में भी नहीं है। और सबसे जो सरप्राइजिंग पार्ट है, मेरे ख्याल से सरप्राइजिंग नहीं, सबके सामने जग जाहिर है, वो है चुलबुल पांडे की बात की जाए, सलमान खान की बात की जाए, तो उनका सीन कब आता है तो मैं आपको बता दूँ, पोस्ट क्रेडिट सीन। आप पूरे टाइटल के हटने का वेट कीजिए, आपको चुलबुल पांडे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा मेरा सेकेंड हाफ का रिव्यू दोस्तों। तो ओवरऑल पैसा वसूल फिल्म है पूरी तरह से। फर्स्ट हाफ जो देखा, जिस हिसाब से कहानी चल रही है, फिल्म चल रही है, आपको एंटरटेन कर रही है, उसी तरह से सेकेंड हाफ में भी वो सारी चीज़ें चल रही हैं और आपको मज़ा आता देखने को। तो ये है मेरा ओपिनियन सेकेंड हाफ को भी लेकर। आपको कैसा लगा मेरा ये ओपिनियन ज़रूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी व्यूअर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय।